हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको अंडरआर्म्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी निकल रहा है। शुरू कर लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको अंडरआर्म्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो हमारी अंडरआर्म्स में टैनिंग हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है, पसीने की स्मेल आती है, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको जरूर ट्राई करना। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप बताओ आजकल क्या, जो पहले बिल्कुल नहीं चलता था और पहले कम चलता था मतलब, लेकिन आजकल बहुत बहुत ज़्यादा हम सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और जिसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बताओ क्या है? नहीं पता चला, चल गया पता? कमेंट करके बताना। पहले एक मिनट वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या हम आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लिख लिया? चलो अब मैं उसका आंसर बताने जा रही हूँ। आजकल हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं सैनिटाइजर। वी ऑलवेज यूज सैनिटाइजर टू सैनिटाइज अवर हैंड्स। ठीक है, अब हैंड्स को हम सैनिटाइज कर रहे हैं तो वाई नॉट अवर अंडर आर्म्स। हम अपनी अंडर आर्म्स को भी सैनिटाइज करेंगे, साफ करेंगे एकदम, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो इस तरह से सैनिटाइज करने के बाद में इसको हम साफ कर लेंगे। साफ हो गया। अब आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। अगर हमारे घर में एलोवेरा का लीफ लगा हुआ है तो उसके अंदर का जो जेल होता है उसको अप्लाई कर लेंगे। अगर हमारे पास में घर वाला नहीं है तो मार्केट से ये एलोवेरा जेल मिलता है। ये पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ मैं, सौंदर्य एलोवेरा जेल। बहुत ही बढ़िया है ये वाला एलोवेरा जेल। हम इससे अपनी अंडर आर्म्स पे मसाज करेंगे। नेचुरल लीफ लेते हैं वो भी बहुत अच्छी है, वो अगर हमें अवेलेबल नहीं है तो ये भी। आई टेढ़ा कैसे हो गया? ठीक हो गया, अपने आप ही टेढ़ा हो गया है ना। अच्छा चलो, तो उससे हम ये जो है एलोवेरा जेल को अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद में ना इसको लगा रहने देंगे, इसको हम साफ नहीं करेंगे। उसके बाद जो हम इसमें इंग्रीडियंट ऐड करेंगे वो हम लेंगे ये कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल इजीली हमें मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत 4-5 ड्रॉप्स हम कैस्टर, ये थोड़ा सा ना थिक होता है, ये मतलब जैसे गाढ़ा गाढ़ा तेल होता है बहुत। ये देखो गाढ़ा तेल है ये, मतलब एक जेल की तरह का ही होता है ये तेल। वैसे तो अगर सर्वर में हम इसे लगाना है ना तब तो हम कोकोनट ऑयल वगैरह में मिक्स करके लगाएंगे ना तभी अच्छी तरह से लगेगा, लेकिन बॉडी पे तो एज अ जेल जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कैस्टर ऑयल ना बहुत अच्छे, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे डार्कनेस टैनिंग वगैरह जो भी होती है हमारी स्किन के ऊपर उसको ये ठीक करता है। तो इस तरीके से इसकी मसाज करेंगे। इसमें देखो हमने कुछ भी ना साफ नहीं किया, एलोवेरा जेल को भी हमने लगा रहने दिया, उसके बाद हमने कैस्टर ऑयल से मसाज करी, इसको भी हमने लगा रहने दिया। इससे क्या है, ये पूरा हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, हम पैक लगाएंगे। अब इसको लगा रहने देंगे और फिर मेरे पास में ना ये ममा अर्थ का पैक था, ये इसको मैंने थोड़ा सा ये रोज़ वाटर में मिक्स किया और इसको अपने अंडर आर्म्स पे अब हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से पैक को अप्लाई करके इसको 5 से 10 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे, ऐसे करके बेड पे लेट जाएंगे। ठीक है, लेट जाएंगे और इसको इस तरह से लगा रहने देंगे। और बस जब क्या कहते हैं थोड़े 5-10 मिनट हो जाएंगे फिर हम ये लेंगे, ये हम कोई भी इस तरह से कपड़ा लेंगे और इसको साफ कर देंगे। ठीक है, पास से देखो ये कितना बढ़िया, एकदम बहुत ही बढ़िया क्लीन होगा। ये एक दो प्रोसेस हैं, बहुत एकदम साफ हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये, ज़रूर ट्राई करना आप इसको। बहुत ही बढ़िया फ़र्क पड़ेगा इससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू। Take good care of yourself.